पूरा से एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर आपको बताते चलें कि एक 40 से 45 साल के व्यक्ति ने जो है वो कुछ जहरीली चीज़ खाकर जो है वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, जिसके बाद परिवार पर जो है वो दुखों का पहाड़ टूटा है। लेकिन इस समय हम जम्मू के बिल्कुल जीएमसी के मोर्चे के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम जो उनके रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और फिलहाल पोस्टमार्टम यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन क्या कुछ ये पूरा मामला रहा होगा, ये तो एक इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा पार्ट है। लेकिन जिस तरह से आए दिन इस तरह के मामले जो है वो जम्मू में देखने को मिल रहे हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो ऐसा कदम उठा देता है कि जिसके बाद परिवार में जो है वो सिवाय आंसुओं के जो है वो कुछ भी नहीं रहता है। आरसपुरा के अंदर जो एक बड़ियाल ब्राह्मणा इलाका है, वहाँ के रहने वाले ये 40 से 45 साल के व्यक्ति हैं जिन्हें पम्मा के नाम से जो है वो ज़्यादा जाना जाता था। लेकिन ना जाने ऐसी क्या वजह रही कि जिसके चलते इन्होंने जो है वो ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद परिवार में जो है मातम छाया है। दीपक राज जो है वो इनका नाम बताया जा रहा है और फिलहाल आरसपुरा के बड़ियाल जो ब्राह्मणा इलाका है वहाँ से ये मामला जो है वो सामने आया। हालांकि उनके शव को जो है वो इस समय जीएमसी जम्मू के मोर्चरी में यहाँ पर रखा गया है और आगे की जो कार्रवाई है वो जो है वो शुरू की गई है। पुलिस से भी अपील रहेगी कि मामले की पूरी जाँच होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जम्मू में आए दिन इस तरह के मामले जो है वो बढ़ रहे हैं। क्योंकि कभी कोई जो है वो कुछ कदम उठा देता है तो कभी कोई कुछ उठा देता है, लेकिन ये जो मामला है ये कुछ ये कहें कि काफ़ी दुखद मामला है। जिस तरह से बताइए जा रहा है कि 40 से 45 साल की उम्र के एक दीपक राज नाम के व्यक्ति जो कि आरसपुरा के बड़ियाल ब्राह्मणा के रहने वाले थे, उन्होंने जो है वो कुछ जहरीली चीज़ खाई है जिसकी वजह से उनकी जो है वो जान चली गई है। फिलहाल आत्मा की शांति के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। पुलिस से भी अपील है कि इस पूरे मामले की जो है वो जांच होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि आखिरकार 40 से 45 साल के जो दीपक राज हैं जो कि बड़ियाल ब्राह्मणा के रहने वाले थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि उनके जो है वो यानी कि कोई भी जो है वो उनका बच्चा जो है वो नहीं था और फिलहाल उनकी जो पत्नी है वो जो है वो मेडिकल डिपार्टमेंट में ही काम करती हैं। लेकिन जब तमाम जो मोहल्ले वाले थे उन्होंने जो है वो अच्छी तरह से जो है वो उन्हें बातचीत करते देखा, लेकिन उसके बाद जब अचानक जब ये खबर सामने आती है तो ऐसे में मोहल्ले में भी एक शोक की लहर जो है वो वहाँ पर देखने को मिलती है कि आखिरकार ये सब जो है वो कैसे हो गया है। लेकिन आरसपुरा पुलिस से भी अपील है कि मामले की पूरी जांच की जाए और क्या कुछ कारण है, क्यों उन्होंने ऐसा कदम उठाया है, इस चीज़ के बारे में पता लगना चाहिए ताकि जनता को भी पता चले कि आखिरकार ये सब क्या हुआ। तो फिलहाल आत्मा की शांति के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। आरसपुरा के जो बड़ियाल ब्राह्मणा इलाका है वहाँ से खबर सामने आई है, यहाँ पर 40 से 45 साल के दीपक राज नाम के व्यक्ति जिन्हें पम्मा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने जो है वो खुद की जीवन लीला जो है वो एक जहरीली कुछ चीज़ खाकर जो है वो समाप्त की है। देखते रहें जम्मू।